नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं वायर्ड कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसे मैंने अमेजन से मंगवाया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ जाकर इसे खरीद सकते हैं। ये अमेजन बेसिक्स का कीबोर्ड है। अमेजन बेसिक्स अफोर्डेबल रेट पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर एरो की ऊपर यहाँ अमेजन बेसिक्स की ब्रांडिंग है, सर देख पा रहे हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये ग्लॉसी शाइनी ब्लैक कलर में आता है, जिससे प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ आपको ये प्रोटेक्टिव यहाँ पर प्लास्टिक कवर यहाँ पर लगाया गया है, इसलिए थोड़ा आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसे यहाँ से इसे अलग करूँगा तो काफ़ी ग्लॉसी शाइनी कलर में यहाँ देखिए आप। यहाँ पर ये कंप्लीट कीबोर्ड है, कितने भी की होते हैं उसमें दिए गए हैं। आप ये देखिए यहाँ पर एक चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड है, यहाँ प्रॉपर स्पेस दिया गया है, आपको टाइप करने में काफ़ी आसानी होगी। जो भी कीस इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव की है, जरा से भी लैग नहीं करता है ये। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हल्का है कीबोर्ड है ये। लगभग 500 ग्राम के लगभग वजन इसका। यूएसबी कनेक्टिविटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केबल यहाँ पर दिया गया है। इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर है, काफ़ी अच्छी खासी लंबाई है। तो आप पीछे से दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है मॉडल नंबर, क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। फिर रबर पैडिंग है, यहाँ पर रबर पैडिंग दी गई है, यहाँ पर रबर पैडिंग दी गई है। रबर पैडिंग देने के कारण ये जब आप डिस्क पर रखते हैं तो ये स्थिर रहता है। इसमें दिखाऊँ, मैंने इसे डिस्क पर रखा तो ये स्थिर है, ये ऐसे ऐसे ये इधर से उधर नहीं हो रहा है। देख पा रहे हैं इस तरह का ये कीबोर्ड यहाँ से उठा हुआ है, पूरे स्टैंड में ही बना दिया गया है, अलग से लेग नहीं बनाया गया है। उसके कारण आप जब टाइप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एंगल मिलता है टाइप करने के लिए, तो इससे आपको काफ़ी सुविधा होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हॉट की दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर का शॉर्ट की है, ये वॉल्यूम आप वॉल्यूम डाउन का है, ये म्यूट का। अब मैं आपको इधर दिखाऊँ, इधर आप दबिएगा तो आपका मीडिया प्लेयर स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको माय कंप्यूटर माय पीसी है, इधर फंक्शन की है, ये आपको प्रीवियस ट्रैक के लिए है, ये नेक्स्ट ट्रैक के लिए है, प्लेयर पॉज के लिए वाला फंक्शन की है, और ये स्टॉप की है। ये की जो आप देख रहे हैं इसे प्रेस करने से आप जो बेसिक डिस्प्ले सेटिंग होती है उसका पॉपअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कैप लॉक दिया गया है, उसमें लाइट दी गई है। यहाँ पर आप नंबर लॉक देख रहे हैं, इसमें लाइट दी गई है। इस प्राइस रेंज में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।